हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अज आप गल करांगे नौवीं जमात विशा समाजिक विज्ञान पाठ नंबर 3 इतिहास का पाठ नंबर 3 है बच्चों। इस दे बच्चों अपने प्रश्न उत्तर करने ने ते पाठ का नाम है अपने को सिख धर्म का विकास 1539 तो 1581 ईस्वी। अज बच्चों आप इस प्रश्न उत्तर करांगे। इस तो अलावा चैनल पर सारे पाठों के प्रश्न उत्तर पाए हुए ने और तुसीं प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच दिता हुआ है। हुण बच्चों आपां अभ्यास दे प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है साढ़े कोल, किहड़े गुरु जी ने गोबिंद बाल विच बौली का निर्माण शुरू करवाया। अपने कोल 4 ऑप्शन ने, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी ते श्री गुरु नानक देव जी। तो इहदा विचों सही उत्तर है अपने कोल श्री गुरु अंगद देव जी। इस तो बाद अगे है प्रश्न नंबर 2, मंजीदारा की कुल संख्या किन्नी सी। तो सही उत्तर है बच्चों 22। अगे है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, मुगल बादशाह अकबर किहड़े गुरु साहिब नूं मिलण लई गोबिंद बाल आया सी। तो सही उत्तर है गुरु अमरदास जी नूं। प्रश्न नंबर 4, भाई लहणा जी श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने लई कित्थे गए। कित्थे गए सी बच्चे करतारपुर, ठीक है सही उत्तर करतारपुर। प्रश्न नंबर 5, श्री गुरु रामदास जी ने अपने किहड़े पुत्र नूं गुरगद्दी दित्ती। किहड़े पुत्र नूं गुरगद्दी दित्ती सी बच्चे, गुरु अर्जन देव जी नूं। ते उन्हां दे होर पुत्र किहड़े किहड़े सी, पृथ्वी चंद ते महादेव, ठीक है गुरगद्दी इन्हां नूं दित्ती सी गुरु अर्जन देव जी नूं। प्रश्न नंबर अगे है बच्चों आड़ा भाग खाली थावां भरो। प्रश्न नंबर 1, श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि विच डैश लिखिया, की लिखिया सी बच्चों बाल बोध। प्रश्न नंबर 2, डैश जी हर साल हरिद्वार विच गंगा इशनान लई जांदे सन, कौन जांदे सी बच्चों अमरदास जी। प्रश्न नंबर 3, डैश ने गोविंद बाल विच बौली का निर्माण पूरा करवाया, किसने करवाया सी बच्चों गुरु अमरदास जी ने। प्रश्न नंबर 4, गुरु रामदास जी ने डैश नगर की स्थापना की, रामदासपुर जिसनों आप अमृतसर कहने। प्रश्न नंबर 5, लामा बाणी डैश जी की प्रसिद्ध रचना है गुरु अमरदास जी की। सही मिलान करो, ऊड़ा बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी किस दे नाल मिलावांगे बच्चों, आप अमृत सरोवर दे नाल, ठीक है। तो आड़ा है मसंद प्रथा, गुरु रामदास जी। तो भाई लहणा, भाई लहणा का पहला नाम की सी बच्चों गुरु अंगद देव जी, मतलब गुरु अंगद देव जी का पहला नाम की सी भाई लहणा, ठीक है। मंजी प्रथा किसने चलाई सी, गुरु अमरदास जी ने। अगे है बच्चों अंतर दसो, संगत ते पंगत विच की अंतर है, ठीक है। हुण आपां इहनां दे विच अंतर देखदे हां। पहला है बच्चों अपने कोल संगत। संगत तो भाव है गुरु शिष्या दे उस समूह तो है जो इकट्ठे बैठ के गुरु जी के उपदेशों पर अमल करते सन। पंगत, पंगत के अनुसार गुरु के शिष्य इकट्ठे बैठ मिल बैठ के एक ही रसोई विच पका के खाना खाते हैं, खाते सन। अगे देखते हैं बच्चों अपना बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम की सी। तदा उत्तर है बच्चों गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा सी। प्रश्न नंबर 2, गुरमुखी लिपि तो की भाव है। उत्तर, गुरमुखी लिपि का अर्थ है गुरु साहबाना के मुख तो निकलने वाली लिपि। प्रश्न नंबर 3, मंजीदार किसनों कहा जाता सी। तदा उत्तर है बच्चों मंजिया के प्रमुख को मंजीदार कहा जाता सी, जो गुरु साहब और संगत के विचकार एक कड़ी का काम करते सन। प्रश्न नंबर 4, अमृतसर का पुराना नाम की सी। रामदासपुरा। प्रश्न नंबर 5, श्री गुरु रामदास जी का मुढ़ला नाम की सी। भाई जेठा जी। प्रश्न नंबर 6, मसंद प्रथा तो की भाव है। उत्तर, मसंद प्रथा के अनुसार गुरु के मसंद स्थानिक सिख संगत दे दई गुरु के प्रतिनिधि होंदे सन। छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मंजी प्रथा ते नोट लिखो। तो उत्तर है बच्चों
मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी ने की सी। उन्होंने समय सिखा की गिणती काफ़ी बढ़ चुकी सी, परंतु गुरु जी की उम्र वधेरे होने के कारण उन्हां लई एक थां तों दूजी थां ते जा के अपनियां सिक्ख्यावां दा प्रचार करना औखा हो गया सी। इस लई उन्होंने अपने सारे अध्यात्मिक उपदेशों नूं 22 हिस्सों विच वंड दित्ता। इन्हां विचों हरेक हिस्से नूं मंजी कहा गया, इस दे प्रमुख नूं मंजीदार कहा गया। हरेक मंजी छोटे छोटे स्थानक केंद्रां विच वंडी होई सी, जिन्हां नूं पीढ़ियां कहिंदे सन। सिख संगत इस दे द्वारा अपनी भेट गुरु साहिब तक पहुँचाउंदी सी। मंजी प्रणाली का सिख धर्म के इतिहास में विशेष महत्व है। डॉक्टर गोकुल चंद नरंग के शब्दों में, गुरु जी के इस काम ने सिख धर्म की नींव मजबूत करन अते देश के सारे भागों में प्रचार काम को बढ़ाने में विशेष योगदान दिता। प्रश्न नंबर 2, श्री गुरु अंगद देव जी का गुरमुखी लिपि के विकास में की योगदान है? तदा उत्तर है बच्चों, गुरमुखी लिपि श्री गुरु अंगद देव जी तो पहला प्रचलित सी। कहते हैं कि गुरु अंगद देव जी इस गुरमुखी नाम दे के इसका मानवीकरण किया। गुरु अंगद देव जी ने इस गुरमुखी नाम दे के इसका मानवीकरण किया। गुरमुखी के प्रचार लिए गुरमुखी वर्णमाला बच्चों लिए बाल बोध की रचना की। तो बाल बोध की रचना किसने की सी? गुरु अंगद देव जी ने। इस आम लोगों की भाषा होने कारण सिख धर्म के प्रचार के कार्य में उत्साह मिलिया। अज सिखां दे सारे धार्मिक ग्रंथ इसे भाषा विच हन। प्रश्न नंबर 3, श्री गुरु अमरदास जी द्वारा किए गए समाज सुधार के कामों ते नोट लिखो। तद उत्तर है बच्चों, उन्होंने द्वारा किए गए समाज सुधार के काम हेठ लिखे हैं। तो पहला है बच्चों, गुरु अमरदास जी ने जाति मतभेद का खंडन किया। गुरु जी का विश्वास सी कि जाति मतभेद परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए गुरु जी ने लंगर के विच जात पात ते छूत छात का कोई स्थान नहीं दिता जाता सी। गुरु जी के लंगर के विच जात पात ते छूत छात का कोई स्थान नहीं दिता जाता सी। उस समय सती प्रथा जोरां नाल प्रचलित सी। गुरु जी ने इस प्रथा के विरुद्ध जोरदार आवाज चुकी। गुरु जी ने स्त्रियों विच प्रचलित परदे की प्रथा की भी घोर निंदा की। वह परदे की प्रथा नूं समाज की उन्नति के राह विच एक वड्डी रुकावट समझते सन। गुरु अमरदास जी नशीलियां वस्तुओं के सेवन के भी घोर विरोधी सन। उन्होंने अपने पैरोकारां नूं हमेशा नशीलियां वस्तुओं तो दूर रहने का उपदेश दिता। इन्हां सारे कार्यों तो स्पष्ट है कि गुरु अमरदास जी निरसंदेह एक महान समाज सुधारक सन। प्रश्न नंबर 4, अमृतसर की स्थापना ते नोट लिखो। तदा उत्तर है बच्चों, गुरु रामदास जी ने रामदासपुर की नींह रखी। अजकल इस नगर नूं अमृतसर कहिंदे हन। 1577 ईस्वी विच गुरु जी ने इत्थे अमृतसर अते संतोखसर नां दे दो सरोवरां की खुदाई शुरू की। कुछ ही समय विच सरोवर के चारे पासे एक छोटा जिहा नगर बस गया। इसनूं रामदासपुरा का नाम दिता गया। गुरु जी इस नगर नूं हर तरह नाल आत्म निर्भर बनाना चाहते सन, इसलिए उन्होंने 52 वख-वख तरह के व्यापारियों नूं सद्दा दिता। उन्होंने एक बाजार की स्थापना की जिस नूं अजकल गुरु का बाजार कहिंदे हन। इस नगर के निर्माण नाल सिखां नूं एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान मिल गया, जिस नाल सिख धर्म के विकास विच सहायता मिली। वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने सिख पंथ के विकास लई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, वर्णन करो। उत्तर, श्री गुरु नानक देव जी तो बाद गुरु अंगद देव जी 1538 ईस्वी विच गुरगद्दी उपर बैठे। उन्हां दी अगवाई सिख धर्म दे लई वरदान सिद्ध होई। उन्हां सिख धर्म दे विकास विच हेठ लिखे महत्वपूर्ण कार्य किए। नंबर 1, गुरमुखी लिपि विच सुधार। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि नूं मानक रूप दिता। उन्होंने गुरमुखी के प्रचार लई गुरमुखी वर्णमाला बाल बोध की रचना की। उन्होंने अपनी बाणी की रचना भी इसे लिपि विच की। आम लोगों की
ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੰਬਰ 3, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਨੰਬਰ 4, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ 5, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1569 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨਾਮੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 7, ਹੈਗਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ 84 ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
इसलिए उन्होंने अपने पूरे अध्यात्मक साम्राज में 22 प्रांतों में वंड दिता। इन्हां विचों हर एक प्रांत नूं मंजी कहा जांदा सी। हर एक मंजी सिख धर्म के प्रचार का एक केंद्र सी। गुरु अमरदास जी द्वारा स्थापित मंजी प्रणाली का सिख धर्म के इतिहास में विशेष महत्व है। डॉक्टर गोकुल चंद नरंग के शब्दों में गुरु जी के इस काम ने सिख धर्म की नींह मजबूत करन अते देश के सारे भागों में प्रचार का काम तेज करन विच विशेष हिस्सा पाया होगा। उदासियां नालों सिखां नूं अलग करना। उदासियां नालों सिखां नूं अलग करना, गुरु साहिबान ने उदासी संप्रदाय दे सिद्धांतां दा जोरदार शब्दां विच खंडन कीता। उन्हां ने अपने सेवकां नूं समझाया कि कोई भी व्यक्ति जो उदासी नियमां दी पालना करता है सच्चा सिख नहीं हो सकता। गुरु जी के इन्ह यत्नों सिख उदासियों नालों वख हो गए और सिख धर्म की होंद मिटन तो बच गई। अगे अगे बच्चों नंबर 6, मुगल सम्राट अकबर का गोविंदवाल आना। गुरु अमरदास जी के व्यक्तित्व तो प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर गोविंदवाल आया। गुरु जी के दर्शन तो पहला उसने पंगती विच बैठ के लंगर किया। लंगर की व्यवस्था तो अकबर बहुत प्रभावित होया। कहिंदे हन उस साल पंजाब विच अकाल पै गया सी। गुरु जी के कहण ते अकबर ने पंजाब के किसानों का लगान माफ कर दिता सी। नंबर 7 आ गया नवें रीति रिवाज। गुरु अमरदास जी ने सिखां नूं व्यर्थ दे रीति रिवाजां दा त्याग करन दा उपदेश दित्ता। उन्हां ने मौत होण ते सिखां नूं रोण पिटण दी थां परमात्मा दा नाम जपण दा उपदेश दित्ता। उन्हां ने ब्याह दी नवीं रीत शुरू कीती जिस नूं आनंद कारज कहिंदे हन। नंबर 8, आनंद साहिब दी रचना। गुरु अमरदास जी ने एक नवें राग दी रचना कीती जिस नूं आनंद साहिब कहा जांदा है। सच तां इह है कि गुरु अमरदास जी दा गुरुकाल 1552 तो 1574 ईस्वी सिख धर्म के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। गुरु जी द्वारा बौली का निर्माण, मंजी प्रथा का आरंभ, लंगर प्रथा का विस्तार और नवे रीति रिवाजा ने सिख धर्म के संगठन में बहुत सहायता की। प्रश्न नंबर 3, श्री गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म सिख पंथ के विकास लिए किहड़े किहड़े महत्वपूर्ण कार्य किए वर्णन करो। अगे है बच्चों उत्तर, श्री गुरु रामदास जी सिखां दे चौथे गुरु सन। इन्हां दे बचपन दा नाम भाई जेठा सी। उन्हां दे सेवा भाव तो प्रसन्न हो के गुरु अमरदास जी ने उन्हां नूं गुरगद्दी सौंप दित्ती सी। इत्थे विचों नूं लिखा जाएगा, ठीक है। उन्होंने 1574 तो 1581 ईस्वी तक गुरगद्दी का संचालन किया अते अपने निम्नलिखित कामों द्वारा सिख धर्म की मर्यादा नूं बधाया। पहला है बच्चों अमृतसर का नींह पत्थर। गुरु रामदास जी ने रामदासपुर की नींह रखी। अजकल इस नगर नूं अमृतसर कहिंदे हन। 1577 विच गुरु जी ने इत्थे अमृतसर अते संतोखसर नां दे दो सरोवरां दी खुदाई शुरू कीती। कुछ ही समय विच सरोवरां दे चारे पासे एक छोटा जिहा नगर बस गया। इस नूं रामदासपुर दा नां दित्ता गया। गुरु जी इस नगर नूं हर तरह नाल आत्म निर्भर बनाउणा चाहुंदे सन। इस लई उन्हां ने वख वख 52 वख वख तरह के व्यापारियों नूं सद्दा दित्ता। उन्हां ने एक बाजार की स्थापना की जिस नूं अजकल गुरु का बाजार कहिंदे हन। अगे अगे बच्चों मसंद प्रथा का आरंभ। गुरु रामदास जी ने अमृतसर अते संतोखसर नां दे सरोवरां की खुदाई लई काफ़ी धन की जरूरत सी। इसलिए उन्होंने मसंद प्रथा का आरंभ किया। इन्हां मसंदां ने वख वख प्रदेशों में सिख धर्म का खूब प्रचार किया अते काफ़ी धन राशि इकट्ठी की। नंबर 3 है बच्चों उदासियां नाल मतभेद की समाप्ति। गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी ने सिखां नूं उदासी संप्रदाय तो अलग कर दिता सी, पर गुरु रामदास जी नाल उदासियां ने बड़ा निम्रतापूर्ण विहार किया।
उदासी संप्रदाय के नेता बाबा श्री चंद जी एक बार गुरु रामदास जी नूं मिलन आए। उन्हां विचकार महत्वपूर्ण वार्तालाप भी हुई। श्री चंद जी गुरु साहिब की निम्रता तो बहुत प्रभावित होए। उन्होंने गुरु जी की श्रेष्ठता स्वीकार कर लिया। नंबर चार, समाजिक सुधार। गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू किए नवे रीति रिवाजों जारी रखिया अते उन्होंने सती प्रथा की सख्त निंदा की। विधवा मुड़ ब्याह की मंजूरी दी अते ब्याह ते मौत संबंधी कुछ नवे नियम जारी किए। नंबर चार, गुरुआं गुरु साहबाना द्वारा नवे नगर की स्थापना अते नवीं परंपरावां की शुरुआत ने सिख धर्म के विकास विच की योगदान पाया। गुरु साहबान ने सिख धर्म के प्रचार अते सिखां दी खुशहाली लई कई नगर वसाए। नवे नगर वसाउण नाल इक मकसद यह भी सी कि सिखां नूं अपने अलग तीर्थ स्थान दिते जाण तां जो उन्हां विच एकता अते संगठन की भावना मजबूत होवे। गुरु साहबान ने समाज विच प्रचलित परंपरावां तों हट के कुछ नवीं परंपरावां भी आरंभ कीतियां। सिख समाज विच सरलता आई अते सिख धर्म का विकास तेजी नाल होया। नंबर दो है नवे नगरां दा योगदान। गोइंदवाल साहिब दी उसारी गोइंदवाल साहिब नां दे शहर की स्थापना गुरु अंगद देव जी ने की। इस शहर का निर्माण 1546 ईस्वी विच होया सी। इस दी उसारी का काम उन्होंने अपने चेले अमरदास जी नूं सौंप दिता। गुरु अमरदास जी ने अपने गुरु काल विच इत्थे बौली साहिब का निर्माण करवाया। इस तरह गोइंदवाल साहिब सिखां दा एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बन गया। अगे विच नंबर दो, रामदासपुर जां अमृतसर। गुरु रामदास जी ने रामदासपुर दी नींह रखी। अजकल इस नगर नूं अमृतसर कहिंदे हन। 1577 ईस्वी विच गुरु जी ने इत्थे अमृतसर अते संतोखसर नां दे दो सरोवरां दी खुदाई शुरू कीती। कुछ ही समय विच सरोवर दे चारे पासे एक छोटा जिहा नगर बस गया। इस नूं रामदासपुर दा नां दित्ता गया। गुरु जी इस नगर नूं हर तरह नाल आत्म निर्भर बनाना चाहुंदे सन। इसलिए उन्होंने 52 वख वख तरह के व्यापारियों नूं सद्दा दित्ता। उन्होंने एक बाजार की स्थापना की जिस नूं अजकल गुरु का बाजार कहिंदे हन। इस नगर के निर्माण नाल सिखां नूं एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान मिल गया। अगे है विचों तरन तारन। तरन तारण का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने ब्यास दरिया और रावी दरिया के विचकार करवाया। इस दी उसारी 1590 ईस्वी विच हुई। अमृतसर की तरह तरन तारण भी सिखां दा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया। हजारां की गिणती विच सिख यात्री इशनान करन लई आउण लगे। अगे विचों करतारपुर। गुरु अर्जन देव जी ने 1593 ईस्वी विच जलंधर दुआब विच एक शहर की स्थापना की जिसका नाँ उन्होंने करतारपुर भाव परमात्मा का शहर रखिया। इत्थे उन्होंने एक खूह भी खुदवाया जो गंगसर के नाँ नाल प्रसिद्ध है। यह शहर जलंधर दुआब विच सिख धर्म के प्रचार का केंद्र बन गया। नंबर पांच, हरगोबिंदपुर अते शेरटा की स्थापना। गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद जी के जन्म की खुशी विच ब्यास नदी के किनारे हरगोबिंदपुर नां दे शहर की स्थापना की। इस तों इलावा उन्होंने अमृतसर के नज़दीक पानी की कमी नू दूर करन दे लई एक खूह का निर्माण करवाया क्योंकि इस खूह ते छे हरट लगते सन। इसलिए इस नूं शेरटा के नां नाल बुलाया जाण लगा। हौली हौली इत्थे एक शहर बस गया जो अज भी मौजूद है। चक नानकी। चक नानकी दी नींह कीरतपुर के नेड़े गुरु तेग बहादुर साहब ने रखी। इस शहर की जमीन गुरु साहब ने 19 जून 1665 ईस्वी में 500 रुपए विच खरीदी सी। नवीं परंपरावां दा योगदान। गुरु नानक देव जी ने संगत ते पंगत की प्रथा की परंपरा चलाई। इस नाल सिखां विच एक साथ बैठ के नाम सिमरन करन दी भावना का विकास होया। परिणाम स्वरूप सिख भाईचारा मजबूत होया। आनंद कारज नाल ब्याह दीआं फजूल रस्मां तों सिखां नूं छुटकारा मिलिया अते ब्याह सरल रीति नाल होण लगे। इस परंपरा दे कारण
होर भी बहुत सारे लोग सिख धर्म नाल जुड़ गए। रात दे मौके ते रोन पिटन दी मौत दे मौके ते ठीक है मौत दे मौके ते रोन पिटन दी परंपरा नू छड्ड के प्रभु नाम सिमरन ते बल देण नाल सिखां विच गुरु भगती दी भावना मजबूत हुई। इस तरह बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं ते बाकी पाठों के प्रश्न उत्तर भी चैनल ते पाए हुए ने वो तुसीं प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। धन्यवाद।